नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। जैसे यहाँ 3 मई का SSC MTS का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है छूट चुका है, जैसे कैंडिडेट निकलते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे एग्जाम के लेवल में क्या चेंजमेंट आया या चेंजमेंट नहीं आया। अगर कोई भी डाउट आपका बनता है तो चैनल में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखिए, कुछ कैंडिडेट निकल रहे हैं। आज फिर ट्रेन जा रही, तो भाई अभी फिलहाल उन्होंने बताया। और अच्छा गया, कितना अटेम्प्ट किया आपने? 74। ये बताइए अटेंडेंस लगभग उपस्थिति कितनी है अंदर? सीटें खाली थी क्या? नहीं, थी, ठीक ठीक थी। हाँ अच्छा, बात करें GS में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है बताएं? GS में करंट अफेयर्स है, लेकिन 2022 की है। 2022 की करंट अफेयर देखने को मिली, 2023 से करंट अफेयर नहीं देखने को मिली। ठीक आए थे और अच्छी, मतलब अच्छे क्वालिटी करंट अफेयर थे और पेपर का लेवल भी हाई था, मतलब हल्का लेवल नहीं था। जो बढ़िया तैयारी किया होगा वही निकालेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। कल का शिफ्ट तो बता रहे थे काफ़ी ईजी था, आज का थोड़ा सा टफ देखने को मिला। आज का थोड़ा सा टफ कर रहे थे ना, तो और थोड़ा कैलकुलेशन भी था ज़्यादा, इसलिए टाइम लग रहा था करने में। अच्छा, GS में GS की बात करें तो GS में से पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे कि नहीं? हाँ, पॉलिटी से आया था। एक राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब कौन करता है, संसद करता है कि विधान परिषद, ये मतलब करके आया था। तो आर्टिकल संबंधी कुछ पूछा गया? आर्टिकल संबंधी एक पूछा गया था, लेकिन वो याद नहीं आ रहा। एक पूछा गया था, मतलब था कोई मुख्यमंत्री राज्यपाल वगैरह तो नहीं पूछा गया? नहीं, मुख्यमंत्री लेकिन इसी से पूछा गया था सब। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश वगैरह में एंटोनिम सिनोनिम वगैरह, हाँ ये सब आया था या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट था? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जो पढ़ा होगा अच्छे से वो कर लिया। वगैरह आया था वहाँ? हाँ, सब चीज़ आया था। क्लोज टेस्ट आया था या कंपेरिजन आया था? कंपेरिजन भी आया था और क्लोज वा नहीं आया था। ठीक है, चलिए चलिए। लड़कियाँ तो फिलहाल बता ही नहीं रही हैं। लड़का, हाँ भाई हो गया। हाँ, कितना किया बता? 40। ठीक, 40 किया। अच्छा ये बात करें GS का लेवल, GS का लेवल क्या लगा? लो लगा, बहुत लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत। अच्छा, इकोनॉमिक्स वगैरह कृषि संबंधित वगैरह से कोई प्रश्न पूछा गया था? वही हम सोच रहे हैं। हाँ, साइंस दो क्वेश्चन पूछा गया जी। अच्छा, उसके बाद करें आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं? आर्टिकल हाँ, समानता का, समानता। जीके कैसा रहा? जीके में बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए, यस मस्त गया। कितना अटेम्प्ट किया? 43। अच्छा ये बताइए, GS में कोई भी क्वेश्चन याद हो आपको? GS में मणिपुर का आया था एक, मणिपुर की। अच्छा, वो नृत्य वगैरह पूछा गया? फोक डांस वगैरह नहीं पूछा गया। स्पोर्ट्स में बॉलीवुड उससे आया, बास्केटबॉल से। अच्छा, फुटबॉल से। यस। उसके बाद कोई दिवस वगैरह तो नहीं पूछा गया? नहीं, दिवस तो नहीं पूछा गया। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री वगैरह से, कोई युद्ध वगैरह पूछा गया हो? अकबर बीरबल वगैरह? नो, युद्ध नहीं पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता वगैरह से कुछ पूछा गया? नहीं आया। उसका कौन सा क्वेश्चन आया? बायोलॉजी से आए 2-3 क्वेश्चन, बायोलॉजी से। डीएनए में कौन सा वो होता है? अच्छा, फिजिक्स में तो नहीं देखने को मिला? नो, फिजिक्स का कोई। केमिस्ट्री से? अच्छा, इंग्लिश की बात था उसमें कि बैटरी वाला था, बैटरी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? देखिए मैम, क्या नाम है? आईसी पाल। देखिए इन्होंने काफी अच्छा बताने का प्रयास कर रही है। अच्छा, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में से क्लोज टेस्ट आया होगा, आया था कि नहीं आया था? क्लोज टेस्ट आया था कि नहीं? नहीं आया था। कंप्रेसर आया था? नो नो, मैसेज आया था। मैसेज किससे रिलेटेड था? उस पे था, पूछा गया था कि उससे एसिडिटी से। हाँ। कितने क्वेश्चन थे? 5 थे या फिर 3 थे? 5। अच्छा, प्रीपोजिशन वगैरह कुछ पूछा गया है? नो। एरर से संबंधी कुछ आया? एरर से आए, एरर से सारे ही थे। यूआरएस तो नहीं देखने को मिला? कल तो देखने को नहीं मिला, आज मिला आपको? नहीं मिला, नहीं। अच्छा, मिस स्पेल्ड मीनिंग आई होगी? स्पीच नहीं आया था। नाउन प्रोनाउन वगैरह से कुछ आया था? नथिंग, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, उसके वन वर्ड वगैरह तो आया? यस, वन वर्ड आया। क्वेश्चन थे वन वर्ड? वन वर्ड्स के होंगे 5 से 6 क्वेश्चन। यस। अच्छा, उसके इडियम फ्रेज वगैरह? हाँ, यही आया था उसमें, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स। अच्छा, उसके बात करें इंग्लिश उसकी, मैथ की क्वालिफाई था तो उसमें बताइए, मैथ में क्वेश्चन टफ तो नहीं थे? मैथ के इजी थे, नॉर्मल ही था सब। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे? परसेंटेज वगैरह? हाँ, परसेंटेज एवरेज थे था, और प्रॉफिट लॉस से सब सारे टॉपिक्स थे। रीजनिंग की बात करें, कैलेंडर वगैरह देखने? नो, कैलेंडर नहीं आया। रीजनिंग में फिर आकृति सन्निहित है जो उसके अंदर, ये वाले क्वेश्चन थे कि नहीं? आकृति हाँ, उसमें थे से। उसके बाद आकृति पूर्ण करने वाला काउंटिंग वगैरह तो नहीं आया था उसमें? अच्छा, कैलेंडर से कल क्वेश्चन देखने को मिला था, आज था क्वेश्चन? नहीं, आज नहीं था। वगैरह से कोई? नो नो क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? यस, उससे था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे कि नहीं? सिंप्लीफिकेशन नहीं थे। बॉड मास वगैरह से आए थे? यस, बॉड मास था।
काफी अच्छा बचाने का प्रयास करें। हाँ भाई, हाँ भैया, 70 अच्छा ये बताइए इंग्लिश में तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी idioms याद हो बता दीजिए। idioms phrases यार उसको छोड़ दिया था, पता नहीं था ना। हाँ इसलिए वन वर्ड वगैरह। हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, फाइव थे, आए थे फाइव क्वेश्चन। यानी वो कैब कह सकते हैं पोर्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, भी आ रहे हैं। और इसके बाद संबंधी कुछ प्रश्न आ रहे हैं, एंटोनियम्स आ रहे हैं। एंटोनियम्स कितने थे? एक एक दो दो एक एक था। सिंपली था या फिर डिफिकल्ट? डिफरेंट थोड़ा टाइप ऐसे आ रहा है, हार्ड 50% आ रहा है। बात करें अगर आपने पेपर का लेवल दिया, पैटर्न में कुछ चेंजमेंट हुआ उस हिसाब से लेवल के लो लगा भी हाई लगा? ये नहीं, ये 70-30 है। 70-30 हाँ, लोअल लेवल जो है आप आज का कुछ ठीक टाइप का देखने को मिला है। कोई भी क्वेश्चन अटेंडेंस नहीं, नॉर्मल है। हाँ जी मैम, कर लिया मैंने। कितने क्वेश्चन अटेंड किया? मैंने इंग्लिश में 21 किए हैं। जीएस में तो कोई भी क्वेश्चन आपको याद हो बता दीजिए। जीएस में कृषि संबंधी कुछ आया था? किताब कोई पूछी गई, कोई बुक वगैरह पूछा गया, ऑथर वगैरह? नहीं, ऑथर नहीं है। संतूर वादक वगैरह से कुछ इंसर्ट, तबला वादक वगैरह से पूछा गया था? नहीं, नृत्य से आया था। कहाँ का नृत्य पूछा गया था? नृत्य कहीं का नहीं पूछा गया था, कोई एक वो थी नृतिका, उनका पूछा गया था। वो किस नृत्य से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है, मतलब मिलान करने वाले कह सकते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल काफ़ी अच्छा बताने का प्रयास किया और काफ़ी कैंडिडेट जा भी रहे हैं, तो अगले शिफ्ट में मिलेंगे, इस शिफ्ट में इतना ही रखेंगे। हाँ भाई, पेपर सुन के अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तैयारी है। ऑनलाइन करते थे? ऑनलाइन। किससे पढ़ते थे? रोजगार अंकित। रोजगार अंकित से काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है गागर में सागर कराया हुआ है। फिलहाल देखते हैं ये लौट के आएंगे, फिर से मिलेंगे यहीं पर इसी शिफ्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।